कि नवरात्रि में क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। हिंदू धर्म में ग्रंथ पुराणों के अनुसार माता भगवती की आराधना का श्रेष्ठ समय नवरात्रा को ही माना गया है। नवरात्रि में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, भजन, पूजन, योग साधना करते हैं। नवरात्रा एक ऐसा समय है जब हम देवी का आह्वान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान माँ देवी हमारे घर पधारती। ऐसे में शास्त्रों के हिसाब से हमें न केवल मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए बल्कि 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक संबंध बनाने पर शरीर में कुछ विशेष तरह के हार्मोन्स का भी निष्क्रमण जो है ना निष्कर्षण होता है, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां जल्दी ही आपको अपनी चपेट में ले लेती है और आप दिन भर उस माहौल में ही रहते हैं। इससे बचने के लिए आपको विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर घरों में नवरात्रा के समय पति पत्नी अलग रहते हैं और आप अशुद्ध मन से देवी माँ का पूजन नहीं कर सकते, इसीलिए कम से कम 9 दिनों तक खुद को नियंत्रण में रखिए, जिस दौरान स्वयं देवी माँ हमारे घर पधारती है।